الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बाबा से बुलंद रुते पापड़ियो सलातु सलाम मिलके मोहब्बत न दुरते पापड़ियो सलातु सलाम अलैक या रसूल अल्लाह वालानिक व सहाबिक या हबीब अल्लाह अस्सलातु सलाम अलैक या نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله اللہ کریم دی حمد و ثنا توبہ درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شب اسرا کے دو لاکھ مل جاوا مأوا جنابی احمد مجتبی حبیبی کبریا جنابی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی پاک بر گیالیہ دے اندر حدیعی نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا جس دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے علم دی وسعت نو بیان فرمایا دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ محبوبہ اسا توانو کو عطا کر دیتا جو توانو نہیں سی پتا جس تھی توانو خبر نہیں سی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو تسی نہیں سی جان دے توانے رب نے توانو عطا کر دیتا وَفْقَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلِيكَ عَظِيمًا اور توانے اُتے توانے رب دا فضلِ عظیم میں بہت بڑا فضل ہے تو خالقی کائنات میں اس آیہ کریمہ دے اندر یاد رکھنا اللہ کریم نے اپنے محبوب دے علم دی وسعت نو بیان فرمایا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ محبوبہ کہ جس چیز دا توانو نہیں سی پتا اساں توانو او عطا فرما دیتا یاد رکھنا
जेड़े वेले अल्लाह दे नबी हजरत आदम अलैहि सलातो सलाम दे इलम दी वारी आई तो खालिक ने इरशाद फरमाया वा अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, फरमाया आदम अलैहि सलातो सलाम नु असां कुल असमाना दा इलम अता फरमाया, कुल्लहा कुल असमाना दा इलम अता फरमाया। और जिस वक्त महबूब दी वारी आई फरमाया वा अल्लमका मालम तकुन तालम, सोनिया जो तुसी नहीं सो जानते तुहाडे रब ने तुहानू ओ अता कर दिता। मुफस्सरीन फरमाते ने कि इस आया करीमा दे नाजल हुण तो बाद ये पक्की बात है मालूम होया कि कायनात दे अंदर कोई इलम ऐसा नहीं कि जिहड़ा रब ने अपने महबूब नू अता नहीं फरमाया। आखो सुभान अल्लाह, इस आया करीमा दे नजूल तो बाद कोई भी इलम उठा के देख लो वो ऐसा नहीं कि जड़ा अल्लाह ने अपने महबूब नू अता नहीं फरमाया। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया वा अल्लमा का मालम तकुन तालम, फरमाया कि महबूबा जिस चीज का तुहानू नहीं सी पता इलम नहीं सी असा तुहानू अता फरमाया। इस वास्ते कुरान मजीद फुरकान अमीर एक जामे किताब है, तवज्जो है, कुरान एक जामे किताब है। और याद रखना ये आसमानी किताबों का मरकज महवर है कुरान। अल्लाह करीम ने जितने भी अंबिया कराम अलैहि सलातो सलाम गुजरे ने तवज्जो है उन सारे ते आसमानी सहायब आसमानी किताबां नाजल फरमाइया। जिस वक्त ये आसमानी किताबां दा टोटल किया गया 104 बनिया सहायब और किताबां, दीगर जितने भी हुजूर तो पहले जितने भी नबी गुजरे ने अल्लाह ने जितने भी आसमानी सहायब और किताबां नाजल कीतियां अंबिया कराम ते उन्हां दा जिस वक्त जमा किया गया टोटल मारिया गया तो वो 104 बनिया। हुण सारी कायनात दा इलम उन्हां 104 दे विच और उन्हां 104 किताबां दा इलम अल्लाह दी चार किताबां दे अंदर है जिदा नाम जबूर है जिदा नाम इंजील है और दीगर कुरान मजीद फुरकान हमीद। और याद रखना तुरात ये चार किताबें इंज दियां ने कि सारिया किताबों का इलम सारी कायनात का इलम 104 के अंदर है और 104 किताबों का इलम इन चौं के अंदर है और जिड़िया ये तीन ने इन तिना का इलम कुरान नू कढ़ के इन दा इलम कुरान दे विच है। सारा इलम कुरान के अंदर है और कुरान के विच जो सारिया का इलम कट्ठा हो गया तो फिर खालिक ने फरमाया वा अल्लमा का मालम तकुन तालम, सोनिया जिदा तुहानू नहीं सी पता असा तुहानू अता कर छड़िया। याद रखना अगे फरमाया वा कान फदलुल्लाही अलैका अजीमा, अल्लाह ने फरमाया और तुहाडे ते बहुत वड्डा फजल कीता फजले अजीम। याद रखना नौजवानों ये हुण ये फजल की शै ये अजीम की शै, याद रखना अल्लाह ने कुरान के अंदर चंद चीजा नू अजीम आख्या जिन्हां दे विचों एक फजल भी है और वह फजल अल्लाह ने अपने महबूब नू अता फरमाया। चंद चीजा का जिक्र किया जिन्हां दे विचों याद रखिया जी वह अजीम चंद चीजा के विचों एक फजल है जिहड़ा खालिक ने अपने महबूब के उत्ते ये अता फरमाया। आइए याद रखना नौजवानों तवज्जो करे जी मुहब्बत दे नाल एक बार आखो सुभान अल्लाह। खालिक कहना हुम दसना अजीम है कि शै अजीम की है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, रब कहता है ये दुनिया कलील है दुनिया का मता अल्लाह की निगाहे कुदरत के अंदर ये दुनिया कलील है छोटी है। जिस वक्त इंसान दुनिया की वेख्या ना तो उन्हें वेख्या कि दुनिया तो है ही छोटी। इंसान अगर वेख्या जाए कि इंसान ने जिस वक्त वेख्या उन्हें दुनिया नू कायनात नू वेख्या तो वेखन तो बाद वेख्या कि इंसान तो बड़ा छोटा है अगर दुनिया नू वेख्या जाए और ये वेखन तो बाद उन्हें फिर वेख्या नौजवानों कि ऐ जिहड़ी जमीन है जिसनू असीं बड़ा वसी समझने आ मालक दी कुदरत दी निगाह अंदर कुल मता दुनिया कलील ये दुनिया छोटी अल्लाह की नगाह अंदर। मैं तुहानू पहले कुछ सुना के फिर अपने मौजू की तरफ आना चाहना, मेरा अज का मौजू है हुजूर दा इल्मे गैब।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب توجہ کریا جے اے کائنات چھوٹی ہے مالک دی قدرت دی نگاہ دے اندر انسان چھوٹا ہے اس قدرت دی نگاہ دے اندر ایک چھوٹے جے نقطے دی طرح آؤ جس وقت نوجوانوں محبوب دیواری آئی میں ایک آیت پڑھنا چاہنا توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ انجلی اور اچھا بولو سبحان اللہ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ پتہ کی گل ہے اصل چیز ایک جمعہ ہوندا ہے محفل ہوئے نا تے بندہ بار بار کہندا ٹائم گزر جاندا تانوں جگاندے ہاں نہ کریا کرو نال نال میرے ترو تے انشاءاللہ جلدی دے نال مدینے دی گلی وچ تر جے گی اچھا بولو سبحان اللہ پربدی گانے نشان فرمایا وا ما اوتیتم من العلم الا فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیل اللہ نے ساری کائنات دے علم نو اکٹھا کر کے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیل اللہ نے فرمایا ساری کائنات دا علم قلیل ہے ساری کائنات دا علم قلیل ہے جدو یار دیواری آئی پروردگار نے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما خالق نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیل فرمایا اے دنیا دا سارا علم قلیل چھوٹا ہے قلیل دا من ہوندا چھوٹا محبوب دی واری ہے فرمایا عظیم قلیل تے عظیم ایمانداری دے نال دسیا جی اے دنیا دا سارا علم آج تے ایک علم بندے کو نہیں سنبھالیا جاندا تے رب کہندا دنیا دا سارا علم قرآن کہندا قلیل چھوٹا ہے کہ جدو محبوب دی واری آئی وکانا فضل اللہ علیک عظیما ایمانداری دے نال دسیا جی سارے علوم بندہ کٹھے کر لے ہے تے بندے نہیں سمجھو باہر ہو جائے جی او دا قلیل سمجھ دے وچ نہیں آ سکتے تے او دا عظیم کیویں سمجھ دے وچ آئے گا جی قلیل سمجھ دے وچ نہیں آوندا عظیم کیویں سمجھ دے وچ آئے گا توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ نوجوانوں یاد رکھیا جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا علم غیب اور یاد رکھے جی کہ قرآن دے اندر ہر شے دا ذکر موجود ہے اگر قرآن دی کوئی بھی آیت اٹھا کے میں اگے انشاءاللہ دساں گا دنیا دی کوئی بھی چیز ہے تسی قرآن دے وچوں اگر کوئی عالم دین انشاءاللہ او ثابت کرے گا توجہ کریا جے آؤ جدو قرآن دے علم دی واری آئی تو اللہ نے قرآن نازل کیتا توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ انجنی اچا بولو سبحان اللہ پروردگار نے ارشاد فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین فلام فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین پروردگار نے ارشاد فرمایا فرمایا ونزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء کل صغیر و کبیر مستطر نوجوان اگے اللہ نے فرمایا کل فی کتاب مبین اللہ نے ارشاد فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین رب کہندا ہے کائنات دی ہر تر تے خشک شاید ذکر قرآن دے وچ ہر تر تے خشک شاید ذکر قرآن دے وچ اور فرمایا ہر چھوٹی اور بڑی چیز دا ذکر قرآن دے وچ قرآن دیاں ستراں دے وچ نوجوانوں توجہ کریا جی آؤ تے اگے اللہ نے گل ہی مکا دتی میں قرآن پڑھنا چاہنا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کل فی کتاب مبین اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پروردگار نے ارشاد فرمایا ہر شے دا ذکر قرآن دے وچ فرمایا ہر شے دا ذکر قرآن دے وچ نوجوانو توجہ کریا جے ہر شے دا علم قرآن دے وچ قرآن محمد دے سینے
शायद जिक्र कुरान च कुरान मुहम्मद दे सीने च नौजवानो मैं केड़ी केड़ी गल सुनावा तवज्जो करया जे सहाबा की फरमांदे ने सहाबा फरमांदे ने हजरत इब्ने अब्बास आ फरमांदे ने मेरे ऊंट दी रस्सी गुम हो जाए ना ते मैं भी कुरान विच लब लब ऊंट दी रस्सी गुम हो जाए ते वो भी मैं कुरान दे विचों लब लवांगा सहाबा फरमांदे ने जदों सानू असा कुछ शायर ढूंढना हों कुरान ढूंढने और इमामे शाफी ने तो गल ही मुका दी आ फरमाते दुनिया के सारे इलम कट्ठे कर लो तवज्जो है दुनिया के सारे इलम कट्ठे कर लवो इमामे शाफी फरमाते ने मैं हर इलम से कुरान की आयत साबित करा हर इलम से कुरान की मैं आयत साबित करा इमामे गजाली की फरमाते ने इमामे गजाली फरमाते ने आप दे कोल एक बंदा आ गया कहिंदा जी तुहाडा कीता है कुरान दे अंदर हर शै दा जिक्र है फरमांदे ने जी कुरान दे अंदर हर शै दा जिक्र आंदा जी वेखो कुरान कहिंदा कि जमीन आसमान गर्दिश करदे ने जमीन ते आसमान गर्दिश करदे ने ऐ जिहड़ी सिद्धी गर्दिश है ना इस तरह इहदा ते जिक्र है ऐ जिहड़ी उल्टी गर्दिश है ना इहदा कुरान दे विच जिक्र है सोच ही पै गए पता नहीं कि साइंस दल अज के जयालवी साहब शुरू कर दी मैं कुछ सुनाना चाहना बई साइंस जी ये आएगी तो मैं दसागा ना कि अगर साइंस इन्नी तरक्की कर सकती बंदा चन्न ते पहुंच सकता है तो कमली वाला अरशा ते नहीं पहुंच सकता मैं दसना चाहना कहते जी कुरान कहते जमीन ते समान तुहाडी गर्दिश करते हैं तो मैं जमीन ते समान अकीदा कुरान का की गर्दिश करते लेकिन जी सीधी गर्दिश है ना ये तो मन के कुरान के अंदर है लेकिन जी उल्टी गर्दिश ना ये कौनी फरमाते ने कि आयत कह लगे जी कुल्लुन फी फलकी यस्बहू इस आयत के अंदर है अच्छा जी ये सीधी गर्दिश का जिक्र है उल्टी गर्दिश का जिक्र इस तरह उदा नहीं है तो आ फरमाते ने इस आयत में उल्टा पढ़ के विख आखो जुबान अल्लाह है गल की समझ नहीं आई मैं कुछ सुनाना चाहना कि उस बंदे ने इमामे गजाली नूं सवाल किया जी ए जी कुरान कहिंदा कि आसमान ते जमीन गर्दिश करते हैं पढ़े लिखे नौजवान तुसी सारे मेरे तो भी अच्छे माशाल्लाह बैठे हो कुरान ते आसमान ते जमीन गर्दिश करते हैं लेकिन ए जी इस तरह की गर्दिश है ना सीधी गर्दिश इहदा ते मन्निया जिक्र है लेकिन ए जी उल्टी गर्दिश इहदा जिक्र कोई नहीं ते आपने पूछा तू केड़ी कुरान की आयत विचों साबित कर बैठा कहिंदा जी कुल्लुन फी फलकी यस्बहून इहदे विच लिखिया होया है सीधी गर्दिश का जिक्र कि उल्टी गर्दिश का जिक्र कोई नहीं आपने फरमाया फिर इसे आयत में उल्टा करके पढ़ा उन्हें जो पढ़िया ना तो फिर बनया उल्लू फी फलकी यस्बहून इधर पढ़े तामी उंजी उधर पढ़े तामी उंजी आपने फरमाया जिधरों मर्जी पढ़ उल्टा पढ़ सीधा पढ़ है इन्हें बनना इंजी है तो आपने फरमाया वेख एक आयत के अंदर दो गर्दिशा का जिक्र आ गया एक आयत के अंदर नौजवानों याद रखिया जे कि साढ़े जिहड़े माशाल्लाह बुजुर्ग ने इन्ना अल्लाह वाले ने बड़ी दीन की तबलीग की है और मैं दसना चाहना नौजवानों आओ अगे खालके कायनात ने याद रखिया जे मैं गल सुनाना चाहना एक होर ये अंदर गल लेवे कि समंदर है समंदर की गहराई वैसे अपने अपने जरफ की बात है हर बंदे दे अपने अपने जरफ की बात है कोई मानता कोई नहीं नबी दे इलम नूं मानता ऐ तुसां वेखो समंदर की गहराई बड़ी है जितना बड़ा बर्तन होएगा उतना भर के असीं विचों कढ लवांगे है और ये याद रखना यह मस्जिद साड़ी मस्जिद की जिन्नी बनी जिदे विच तुसां वेखो बंदे ओह बाहर उत्थे धुप्पे बैठे ने कोई इंजी है ना आखो सुभान अल्लाह उत्थे धुप आ रही आवाज भी जा रही सुनते भी पे ने लेकिन धुप सेकते भी पे ने इत्थे धुप नहीं है जिथे पै रही है ठीक उत्थे बंदे बह के धुप लेंदे पे ने जिन्नी को उन्हें लैनी है जिन्नी को पैंदी भी उन्नी को लै रहे ने फिर जिड्डा बंदे का बर्तन होएगा ना उन्ना उन्हें कुरान दे विच इलम लै लैना याद रखा जी जितना बड़ा बर्तन होगा कुरान दे विच उसने इलम लै लेना है नौजवानों याद रखा जी इस वास्ते कुरान का इलम है हुण मैं नबी दे इलम की गल सुनाना चाहना तवज्जो है तो बोलो सुभान अल्लाह मेरे नबी दे इलम कुरान ने उस इलम नूं जिक्र किया उच्चा बोलो सुभान अल्लाह डट के बोलो सुभान अल्लाह
परवतीगार ने इरशाद फरमाया मा कान अल्लाह लियुतलियकुम अलल गैब वमा कान अल्लाह लियुतलियकुम अलल गैब वलकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा लेकिन अपने रसूलों के जिन्हू भी मैं दे देवां मैया शाह का माना में चाहना फरमाया मैं जिन्हू भी चाहवा अपने रसूलों के बिचू दे देवां अर्ज की याना तू कि चाहना मैं तेरी चाहत कौन है परवरदिगार ने फरमाया फरमाया इन्ना मैं किसे नू भी नहीं चाहना जिन्ना मुहम्मद नू चाहना लेकिन अल्लाह जिन्नू चाहे मैं यशा वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही जिन्नू चाहे अपने रसूलों के बिचू इल्मे गैब दे दे अर्ज की या अल्लाह तू किन्नू चाहना तेरी चाहत की है रब ने फरमाया मैं इन्ना किसी नू नहीं चाहना जिन्ना मैं मुहम्मद नू चाहना है जिन्ना मैं अपने महबूब नू चाहना फत्तबियूनी युहबिबकुमुल्लाह ते जेड़ा फिर रब दे महबूब नू चाहे तो रब फिर उन्नू भी चाहता है उच्चा बोलो सुभान अल्लाह डट के बोलो सुभान अल्लाह ऐसे बात किसी ने आखिया अगर कोई अपना भला चाहता है अगर कोई अपना भला चाहता है अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है खुदा की रजा चाहते गए तो आलम खुदा की रजा चाहते गए तो आलम खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है तवज्जो है उच्चा बोलो सुभान अल्लाह मैं हुजूर दा इलम सुनाना है नौजवानों आओ हदीस पाक दे विच हुंदा है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की फरमांदे ने सरकार फरमांदे ने राई तो रब्बी फी अहसनी सूरा राई तो रब्बी फी अहसनी सूरा हुजूर फरमांदे ने मैं अपने रब नु बड़ी सोहनी सूरत दे विच वेख्या महाल इक वेख लवे लेकिन साइया ने अपना जलवा विखाया हदीसे पाक के अंदर अंदर राई तू रब्बी फी अहसनी सूरा रब कहता कि मैं अपने रब हुजूर फरमाते मैं अपने रब को बड़ी सोहनी सूरत दे विच वेखिया नौजवान याद रखना जो कोई भी सवाल ते जवाब होना ना सरकार ने सहाबा नु पूछना मेरे सहाबा सवाल करना ते सहाबा ने जवाब की देना उन सुनया जे जवाब किवें हुंदा सी सहाबा कहंदे सन अल्लाहु व रसूल आलम कहंदे सन अल्लाह ते रसूल बेहतर जानदे हैं अल्लाह ते रसूल ओ बोलो इत्थे बैठे हो अल्लाह ते रसूल बेहतर जानदा तवज्जो करे अज अल्लाह ते रसूल बेहतर जानदा ईद दा दिहाड़ा वड्डी ईद दा दिहाड़ा हो गया ते हज दा मौका होए कुर्बानी भी कीती जा रही है ते गोश्त भी खादा जा रहा है ते मेरे नबी पूछदे ने सहाबा अज केड़ा दिहाड़ा है ओ बोलो सुभान अल्लाह
ईद का दिहाड़ा है, वड्डी ईद का दिहाड़ा है, बकरे भी जीबा किए जाते हो, गोश्त भी पका के खाता जाता है, तो सरकार पूछते हैं साहबा केड़ा दिहाड़ा है, साबा दस सकते नहीं नमाज पढ़ी है क्योंकि सारा कुछ हो रहा है, कुर्बानी हो रही, गोश्त खादा जा रहा है, साबा कह सकते सन ईद का दिहाड़ा है, तो की जवाब दिता अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह ते रसूल बेहतर जानता, अल्लाह ते रसूल बेहतर जानता। नौजवानों बंदे कहते हैं लो शिरक हो जाता है, अल्लाह के नाल नबी का नाम लैंदा ना करे गुरु जी हदीसे पाक दे विच मैं हदीस सुना रहा ना होए तो मैं जिम्मेदार हूं। नौजवानों ना कदी साहबा ने कल्ला अल्लाह का नाम लिया अल्लाहु आलम, ना कल्ला रसूलहु आलम, नहीं आखिया अल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह ते उदा रसूल बेहतर जानता है। मेरे नबी ने फरमाया राई तू रब्बी फी अहसनी सूरा, मैं अपने रब नु बड़ी सोहनी सूरत दे विच वेखिया, तो रब ने आख्या सोने फरिश्ते क्यों लड़ते पे ने, क्यों झगड़ते पे ने, सुनया जे मेरे नबी ने फरमाया कि जी कोई नहीं पता, जो इन्हें गल की ना उस फरमाते ने कि रब ने फिर अपना कुदरत दा हाथ, अल्लाह ने अपनी कुदरत दा हाथ मेरे दो जड़े ऐ मोढ़े ने ना इन्हां दे दरमियान दे विच रखिया कंड ते फरमाते ने मैनू अल्लाह दे कुदरत दे हाथ दी ठंडक महसूस होई, है ठंडक महसूस होई, फिर इंजी हुई फरमाते ने मैनू जो भी नहीं सी पता मैनू सारा पता लग गया, जिस शायद दा भी नहीं सी पता फरमाते ने मैनू सारा पता लग गया। नौजवानों याद रखिया जी मैं किड़ी किड़ी गल सुनावा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहि सलातु सलाम के सहाबी ये जवाब मिलता है, और फरिश्ते पूछा गया जी क्यों लड़ते पे ने, आखिया जी पता कोई नहीं, तो मालक ने कुदरत का हाथ जो रखिया ना जो फरमाते ने मैं महसूस ठंडक महसूस की जिदा मैनू नहीं सी पता अल्लाह ने सारे मैनू इल्म अता फरमा दिते। नौजवानों याद रखे जी हजूर इतों तक फरमाते हैं कि रब ने मैनु जन्नत भी बखाई दोजख भी बखाई, क्या क्या जन्नत भी बखाई और दोजख भी बखाई। अगर अच्छा के तवज्जो करया से हुजूर अलैहि सलातु सलाम एक दिहाड़े फजर की नमाज पढ़ी, तो फजर की नमाज पढ़ने तो बाद मेरे नबी मिंबर ते बैठ के हुजूर तकरीर करनी शुरू हो गए, तकरीर की जा रही है फजर तो लैके जोर दी अजाना हो गई, अजाना हो गई तकरीर मुक गई, जोर पड़ी हदीसे पाक दे विच होंदा हुजूर फिर मिंबर ते बैठ गए, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, हुजूर फिर मिंबर ते बैठ गए, फिर तकरीर जोर तो लेके असर तक, फिर तकरीर है असर दी नमाज पढ़ी गई, फिर मिंबर ते बैठ गए, फिर तकरीर, फिर तकरीर असर तो लैके मगरब तक, फिर तकरीर मगरब की नमाज पढ़ी, मगरब तो लैके इशा तक, फिर तकरीर इशा की नमाज पढ़ी, फिर तकरीर। साहबा फरमाते ने अज नबी ने तकरीर च की आख्या, ते साहबा ने जिन्ना सुनी नबी की गुफ्तगू उन्हें आख्या जी इब्तदाए खल्क तो लैके इब्तदाए कायनात तो लैके इंतहाए कायनात तक नबी ने सारा कुछ दर चढ़े आवे, इब्तदाए कायनात तो लैके इंतहाए कायनात तक, इब्तदाए खलक तो लैके इंतहाए खलक तक है फरमाया नबी पाक ने सारा कुछ दर चढ़िया। ते साहबा फरमाते ने जिन्नू उस दिहाड़े नबी दियां सारियां गल्लां याद हो गईयां ते असी कहने फालमूना आंदे सन ए सब तो वड्डा आलम, ए सब तो वड्डा आलम है, तवज्जो है नहीं यार, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, डट के बोलो सुभान अल्लाह, ए साडे तो वड्डा आलम है। अच्छा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने इब्तदाए कायनात लेके इंतहाए कायनात तक सारा कुछ दर छड्या, तेरी गुजर
دل فرش پر ہے تیری نظر آپ کی فرما دینے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شام نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں ہر شام اللہ نے محبوب کے سامنے این و این کر دیتی نوجوانوں میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حضور دا فرمان سنو میرے نبی نے فرمایا کائنات میں محمد دے سامنے انجے میرے نبی نے فرمایا جویں اے ہاتھ دی ہتھیلی ویکھی جاندی بندہ انج کر کے ویندا نا ہاتھ دی ہتھیلی حضور فرماندے نے انجے کائنات ساری میں محمد دے سامنے کہ جویں ہاتھ دی ہتھیلی ویکھی جاندی ہے نوجوانوں یاد رکھیا جے آؤ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے علم عطا کیتا حضور نے اے حدیث پاک دے اندر ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں انج کر کے کائنات نو ویکھ لینا جویں بندہ اپنے ہاتھ دی ہتھیلی نو ویکھدا ہے اے تسی ویکھ لو تسی لاہور چلے جاؤ سویر تو لے کے شام تک بندہ کی کردا ہے پورے لاہور دی سیر بندہ کر لیندا ہے لیکن پھر بھی مکدا کوئی نہیں دیہاڑا مک جاندا ہے لاہور نہیں مکدا گھوم کے کدے ویکھیا جے نوجوانوں نہیں مکدا تے پھر او جدوں بندہ یادگار ہوندا نا تے جے بندہ او مینار پاکستان سب تو اتلی منزل دے اوپر چڑھ جائے انہوں پورا لاہور نظر آتا ہے نوجوانوں ایمانداری دے نال دسیا جائے جے بندہ اس مینار پاکستان دی آخری منزل دے اوپر چڑھ جائے انہوں پورا لاہور نظر آتا ہے تے جے او محبوب عرشاں تے جا کے بہ جائے تے جے او محبوب رب دے عرشاں تے بہ جائے انہوں نہیں پتہ لگنا تائیوں تے سرکار نے فرمایا کہ میرے سامنے کائنات انج جویں ہاتھ دی ہتھیلی نو ویکھیا جاندا ہے نوجوانوں توجہ کریا جی آؤ کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو حضور کی فرمان دے قرب قیامت دہاڑے جدو کالا اے کانا دجال آئے گا نوجوانوں ایک اکھ تو انہ ہوئے گا تو حضور کی فرمان دے سنے جی میرے نبی دے علم غیب صحابہ فرمان دے ابتدائے کائنات لے کے انتہائے کائنات تک نبی نے سارا کچھ دا چھڑیا ایسے باتیں میرے نبی فرما دے کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نبی فرما دے قرب قیامت دیا رہے جدو دجال کانا آئے گا حضور فرما دے انکہ کے جڑا میرا غلام اس دجال کانے دے نال جہاد کرے گا جنگ کرے گا میرے نبی کی فرما دے فرما دے میں اسے اپنے غلام دے نانو بھی جان ناوام فرمایا او دے باپ دے نانو بھی جان ناوام او دے دادے دا نانو بھی جان ناوام جنے کونے دے بیٹھ لڑے گا میں او دے رنگ نو بھی جان ناوام فرمایا فرمایا قرب قیامت دے دیارے جدو دجال کانا آئے گا نا میرے نبی نے فرمایا او دجال کانا جدو آئے گا حضور فرما دینے کہ جڑا میرا غلام اس دے نال جنگ کرے گا حضور فرما دینے میں اس اپنے غلام دے نانو بھی جاننا او دے باپ دے نانو بھی جاننا او دے دادے دے نانو بھی جاننا جس سواری تے بے کے مقابلہ کرے گا میں اس سواری دے رنگ نو بھی جاننا آہ آہ اچھا زندہ نبی دا غلام بولے سبحان اللہ جدا کیتا جنہوں اپنے نبی دے اے علم دے ہوتے مانے جامعہ مسجد بابری دے بچے بیٹھ کے سرکار سانوں پہ بیک دینے اچھا بولے سبحان اللہ اچھا توجہ کریا جی قیامت جی آئے نہیں دجال جی آیا نہیں ہوں تسی سارے بیٹھے ہو حدیث پاک دے بچے ہوندہ کہ قیامت ہونی جمعے دے دے آرے کدن ہونی ہے بولو ہولا بولن دے آج جمعہ جی آج جمعہ جمعے دے دیارے ہونی ہے تے آج ہے بھی جمعہ کوئی بندہ اٹھ کے تو آڈے بچو کہہ دے وکاری صاحب قیامت آج آنی آجے گی اور بولو
नहीं आनी ना उदी वजह की उदी वजह है कि अजे निशानियां ही पूरियां नहीं हुई अजे निशानियां पूरियां नहीं हुई है मगरब दे विचों सूरज तलू होएगा हुण ते मशरक दे विचों हुंदा ना ये बड़ी निशानी मगरब विचों सूरज तलू होएगा दज्जाल काना भी आएगा ईसा अलैहि सलातु व सलाम भी आएंगे इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे नौजवान बड़िया निशानियां छोटिया निशानियां जे पूरियां हो रही ने तवज्जो है नौजवानों ईमानदारी दस्या जे तुसी ते मैं मस्जिद अंदर खुदा दे घर दे विच बैठे हां ते कोई बंदा उठ के आखदे जी अज कयामत नहीं आ सकदी अज कयामत बंदा पूछे क्यों जुम्मे का दिहाड़ा है उन्हें भी जुम्मे के दिहाड़े क्यों नहीं आ सकती आखेगा जी निशानियां पूरियां नहीं जे तेनू ते मैनू पता कयामत नहीं आ सकती ते जिन्नू रब ने अपने इलम का वारस बनाया उस मुहम्मद इलम ते क्या कहने नौजवानों तवज्जो है ते बोलो सुभान अल्लाह मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने फरमाया सरकार फरमाते ने अल्लाह के नबी हजरत कुर्बे कयामत दिहाड़े अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहि सलातु सलाम आप आनगे ते आमन तो बाद ईसा अलैहि सलातु सलाम निकाह करनगे उन्हां दी औलाद होएगी औलाद होगन तो बाद 45 साल गालिबन उलमा फरमाते ने कुछ जमीन उत्ते रहेंगे 45 साल हुजूर फरमाते ने फिर अचानक जिस वक्त उन्होंने इंतकाल हो जाएगा विसाल हो जाएगा तो उन्होंने कब्रे अनवर मैं मुहम्मद दे हुजरे दे विच बनेगी ये हाजी कई गए ने पुराना जो हुंदा सी ना काम त्यार शाह उन्हें बंद कर छड़ी वेख्या भी नहीं जाता किताबां दसदियां ने कि हुजूर दा जिहड़ा गुंबद खजर है सरकार दा रोजा मुबारक उहदे विच तीन कमरां ने इंज गल है वाज बड़े ठंडे हो गए बैठे उच्चा बोलो सुभान अल्लाह तीन कबर ने नबी पाक दी हजरत सैयदना सदीक अकबर दी हजरत उमर फारूक दी किताबां दस दियां ने और जो पुराने बुजुर्ग ने दस ने एक जगह खाली है एक जगह खाली है कदे वेख्या जे नक्शे दे विच नहीं वह जगह मेरे नबी ने फरमाया इत्थे हजरत ईसा अलैहि सलातु सलाम आन के दफन हो गए है ते जो हजरत ईसा ने आना ते आन के मेरे नबी ते रोजे ते कहना अस्सलामु अलैकुम या मुहम्मद ओ बोलो जिन्हू ठंड पई उच्चा बोले सुभान अल्लाह ईसा अलैहि सलातु सलाम आखने अस्सलामु अलैकुम या मुहम्मद मेरे नबी फरमावन के हदीस में मैं जिम्मेदार वालेकुम अस्सलाम ते सलाम ते दुआ ते जिंदा बंदे ना हुंदी है ना हां मेरा नबी जिंदा है जिंदा नबी दा जिहड़ा गुलाम है बोले सुभान अल्लाह हां और उच्चा बोलो सुभान अल्लाह नौजवान तवज्जो करे जी आओ मुहद्दिस ए पाकिस्तान हजरत अलामा मौलाना सरदार साहब वक्त बहुत वड्डे मुहद्दिस गुजरे ने आप जिस वक्त बरेली शहर के आप पढ़ने वास्ते गए ना बरेली शहर के अंदर पढ़ने वास्ते गए थे एक बंदा सामने आप टक्कर पिया सामने आ गया उन्हें जमीन तो तिनका पकड़िया तवज्जो है जमीन तू तिनका पकड़िया पकड़ के कहना जी इन्हू वेंदे पे हो आ फरमाते ने हाँ मैं वेखदा पिया तुहाडा किदा नवी हर शह नू जानदा हर शह नू ओ बोलो हर शह नू जान ए तिनके नू नवी जानदा बोलो सुभान अल्लाह वो जोएगा मैं जिम्मेदार डट के बोलो सुभान अल्लाह तवज्जो करा जी ऐस तिनके नू नवी जानदा फरमाते ने जानदा आंदा जी कोई दलील आ फरमाते ने सुन नबी दी हदीस उच्चा बोलो सुभान अल्लाह डट के बोलो सुभान अल्लाह आपकी फरमाते ने मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन शैइन इल्ला यालमु इन्नी रसूलुल्लाह मा मिन बिशैइन इल्ला यालमु इन्नी रसूलुल्लाह नौजवानों तवज्जो करे जे मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सुनो आपकी फरमा देने आप फरमा देने नबी दा फरमान है
कायनात दी हर शै मुहम्मद नु जानदी है। मैं अल्लाह दा नबी हां, मैं अल्लाह दा नबी हां। आ फरमांदे ने ए बोलन वाले हां, सवाल करने वाले हां, दस नबी दी हदीस है कि नहीं? कहंदा हदीस है। फरमांदे ने सच्ची है, कहन लगा सच्ची है। आ फरमांदे तिनका मेनू फड़ा, अजगर के मुहद्दिसे पाकिस्तान तिनका पकड़िया, पकड़ के फरमाया दस है भी कायनात के अंदर शामिल है के नहीं? कहन लगा है वे। आ फरमांदे ने दस तिनके नु पता मुहम्मद अल्लाह दे नबी ने। कहंदा मेनू पता वे, नबी दी हदीस दस दी है, इस तिनके नु भी पता वे मुहम्मद अल्लाह दे नबी है। आ फरमांदे ने जाए अपने इलम दा इलाज करा, जे तिनके नु पता वे मुहम्मद रब दे नबी ने, मुहम्मद नु भी तिनके दा पता। आप एक हदीस नकल करते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, तवज्जो करिया जी, बड़ी मिठी हदीस है। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल ने भी इस हदीस नु नकल कीता, पूरी जिम्मेदारी ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूं, इस हदीस नु नकल कीता। हजरत सलमा बिन अकवा सहाबी रसूल, ये सहाबी रसूल कौन ने? पहले कलमा नहीं पढ़िया है? नौजवानों तवज्जो करिया जी, इस हदीस के अंदर के आज बकरियां पिया चारदा, तवज्जो है, बकरियां पिया चारदा, अचानक एक बघियाड़ आया, उन्हें बघियाड़ ने ना इंज करके नौजवानों उन्हें बकरी कटी ते कट के साडे लै गया, तो जो उन्हें हमला किया ना बकरी ते खान लगा, आजड़ी दौड़ के गया। मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर हदीस है, आप फरमाते अलामा सुफूरी ने भी लिखिया, उन्हें दौड़ के जाके वो बकरी उसके मुंह के विचों बाहर खींची ते खिंच के शहर ते लै गया। बघियाड़ दौड़ के सामने बैठ गया चोटी के उत्ते, ते नाले वेखी जा रहा, तो बघियाड़ बोलिया, बोल के कहता मैं बड़ी मेहनत की है, रब ने मैनू रिजक दिता सी, तू मेरे मुंह दे विचों खिंच लिया। तो जो इन्नी उस बघियाड़ ने गल की ना, तो वो कौन सहाबी पता की कहिंदे ने? इंज करके वे कहिंदे ने बघियाड़ भी बोलदे ने, बोलो सुभान अल्लाह, बघियाड़ भी बोलदे ने। उन्हें कहा जी जी जी, मैं उन्हें कहा हैरान क्यों ना पिया, तेनों मैं इस तू भी हैरान होने वाली गल ना सुनावा। कह लगा सुना, कहिंदा मदीने के नबी आया, वो नबी आया, अगलिया भी सुनांदा पिया, पिछलियां भी सुनांदा पिया, इब्तदाए खलक से लेकर इंतहाए खलक तक, इब्तदाए कायनात तो लेके इंतहाए कायनात तक हर शख्स मुहम्मद ने दस चढ़ीए है। तो कहिंदा मैं तुरंत जावा जियारत भी उस नबी की कर लवा, पर तू मेरे सामने नहीं मुड़िया, बाद च पता नहीं तू की करना वे। कहिंदा तू तुर जा, मैं वादा करना मैं राखी करा। सुनिया जी उस जानवर ने, अच्छा उन्हें भी पता है, नबी जानता है, बघियाड़ जानवर नु भी पता है, जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के ना मने उहदे नाल ते फिर बघियाड़ ही चंगा होया ना। हां तवज्जो करिया जी नौजवानों, उन्हें आखिया मैं वादा करना मैं तेरिया बकरियां की राखी करांगा, जा तू जाके नबी की दीद कर। तवज्जो करिया जी नौजवानों, तुरिया तुरिया जो वो निकलिया ना, तो मदीने के अंदर आ गया, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, मदीने दे विच आया ना, ध्यान तो उन्हें वेखिया मेरे नबी दे मुख नूं वेखिया, ते वेखी जावे इतना हसीन, इतने सोने, टिकटकी लगा के वेखी जाए। हजरत सलमा बिन अकवा ने जे कलमा नहीं पढ़िया, मुहम्मद हुसन नूं वेखिया, ते कलमा जबान दे उत्ते जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ते पता की आंदा है, आंदा सोने नालों सोना चेहरा हुजूर दा, सोने नालों सोना दा, सोने नालों सोना चेहरा हु, इतनी मोहब्बत नाल बड़ा, सोने नालों सोना सोने नालों
सोना चेहरा हुजूर दा तकिया मसीबा वालिया जलवा नौजवानों दा तवज्जो करें जे आज की जने वेले निकल के आया वे मेरे नबी दे मुख नूं वेखिया मुख नूं वेख के मेरे नबी दा कलमा पढ़िया कलमा पढ़ के जड़े वेले वापस जंगल दे अंदर आया वे उन्हें वेख्या रूटी दे अंदर बकरियां पईयां चढ़दियां ने एक बकरी दौड़ के उधर जांदी है बगियाड़ दौड़दा वे दौड़ के उस बकरी नूं घेना पा के इज्जड़ दे विच लै के आउंदा वे जे दूसरी बकरी भी उधर तुरी जांदी है बगियाड़ उहदे पिछे जांदा वे ओहनूं भी लै के इज्जड़ दे अंदर आ जांदा वे जड़े वेले आजड़ी करीब पहुंचिया पाच के उन्हें बकरियां दे विचों एक बकरी फड़ी फड़ के बगियाड़ दे अगे सुट दित्ती बगियाड़ वे के कहंदा मेरे अगे क्यों सुट्टी आ पहले खिच लई सी हुण सुटदा पिया मैं कह लगा तू मैनू मशवरा दिता सी मुहम्मद की दीद करके आ मैं मुहम्मद की दीद करके आया वा तेरा इनाम है ओ बकरी वल वेंदा ही कोई नहीं बगियाड़ बकरी वल वेंदा ही कोई नहीं कहन लगाया जड़ी खा ले बगियाड़ कहन लगा नबी दी दीद करके आया मैं पर एक गली याद रखी जिन्ना दी राखी कीती जांदी है ओना नू खाता नहीं मुलाजम मालिक नूं नहीं छोड़दा हालात मैं जिस तरफ जाना चाहना नौजवानों जिम्मेदारी बड़ी अमानत सारा कुछ जितने भी साड़ियां थे दुकानों के अंदर लोग बैठे ने अपने लोग रखे ने नाल काम शम वास्ते और बड़े इत्माद के नाल चाबी हर शह देंदे ने याद रखे जिन्ना दिन राखी कीती जाए उन्हां नूं खादा नहीं जांदा ते जे जानवर नूं एडी हया ते मुहम्मद दा कलमा पढ़ के सानूं हया नहीं आ सकदी तवज्जो है ते बोलो सुभान अल्लाह फतह मक्का दा दिहाड़ा अबू सुफियान एन करके पिछे खलोता 10,000 दा लश्कर जेड़े वेले उन्हें वेख्या ना ते खलो के एन करके आंदा कदे मेरी फौज होंदी ना दिल दे अंदर ख्याल आ रहा है ते मैं मुहम्मद दे नाल अज लड़दा ते मेरे नबी उन्हूं नहीं सी पता सरकार पिछे खलोते ने ते सरकार बोल के आंदे तू फिर भी जलील ही होना सी उन्हें एन करके मुड़ के वेख्या ते वेख उन्हें आख्या मैनू नहीं सी पता मुहम्मद मेरे पिछे ने उन्हें जुबान दे नाल नहीं लफ़्ज़ बोले दिल के अंदर सोचता पिया मेरे नबी ने दिल की भी सुन ली दिल की भी सरकार ने सुन ली ते जो घर गया ना ते उदी बीबी जड़ी हिंदा सी है रिश्ते दे अंदर चाची लगदी बड़े जुल्म कीते सरकार दे नाल ते कहन लगा जिहड़ा काम मेरे नाल होया वाकया तेरे नाल भी होया कहिंदी सच्ची पुछे ते होया आंदा एवें हो गया या अल्लाह वल्लों आंदी सच्ची पुछे ते अल्लाह वल्लों हो गया जदों आया ना अबू सुफियान वापस मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर दूर ही है सरकार बोल के कहने राती की आंदा पिया है एवें ही हो गया या अल्लाह वल्लों हो गया मेरे नबी दे कदम नहीं फड़ ले कहंदा जी सोणिया कलमा पढ़ा ई गल सी जदों फतह मक्का दा दिहाड़ा सी ते काफर नुक्कर च खलो के ते ओ गल्लां पे करदे ने है अबू सुफियान भी खलोता है ते जदों मेरे नबी ने फरमाया बिलाल चढ़ छाते दे उत्ते काबे दी ते अज़ान पढ़ उन्हां कहे शुक्र है इक आंदा मेरा प्यो तुर गया मेरा दादा तुर गया अज भी दिन वेखना पैना इह काले रंग दा अबशी गुलाम काबे दी छाते चढ़ के इह अज़ान पढ़ेगा शुक्र है मेरे वड्डे तुर गए उन्हां इह दिन नहीं वेख्या ते अबू सुफियान नहीं बोलदा पिया दूजा बोल कहंदा तू क्यों नहीं बोलता पिया आंदा मैं नहीं बोलना उन्हें आख्या क्यों नहीं बोलता पिया आंदा वह पत्थर वेंदे पे हो आंदे वेंदे पे उन्हें आख्या जी इन्हां पत्थर के करीब आन के मुहम्मद ने पूछ लिया ना किहड़ियां गल्लां पे करदे सो इन्हां दस देणियां सारियां हाँ मेरा नबी पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जानदा है दरख्तां नूं कोल बुला जानदा है नौजवानों जानवरां दी भी गुफ्तगू मेरे नबी सुणदे तवज्जो करिया जे इंज करके ना मेरे नबी दे सक्के चाचे हज़रत अब्बास जिस वक्त जंगे बदर दे अंदर मैं दसना चाहना हुज़ूर दे इल्मे गल जंगे बदर दे अंदर जिस वक्त एक कैदी बन के आए ना हज़रत अब्बास ते मस्जिद नबवी दे सतूना दे नाल उन्हां कैदियां नूं बन्न दित्ता गया ते हज़रत अब्बास नूं भी रस्सियां दे नाल सहाबा बनिया ते सारी रात हाय हाय दियां आवाज़ां मेरे नबी सवेरे फजर टाइम आए ना सरकार फरमाते ने मेरे चाचे दियां रस्सियां ढीलियां कर दिओ सारी रात हाय हाय करदे रहे ने मैनूं नींदर नहीं पई है
है चाचे का एहसास फिर भी है अज कलमा नहीं पढ़िया नबी का नौजवानों ढिलियां रस्सियां कर दतिया मेरे नबी ने ऐलान किया चलो भी मके पैगाम भेजो पैसे भेजो अपने अपने जे बंदे सारे जो लै जाओ है नौजवानों इस तरह होया तो हजूर चाचे के कोल आए तुरे तुरे मेरे नबी फरमाते हैं चाचा जी तुम्हें भी कोई पैगाम भेजो घर तो तारीख दिन किताबं दस दिन हदीसे पाक के आंदा भी एन करके ना चाचा कहता भतीजा मैं माड़ा जहा बंदा मेरे को कितों पैसे आए छड़ना तो मैं इंज ही छड़ दे मेरे नबी ने की फरमाया तवज्जो है फरमाया जो मक्की हो लगा सर मेरी चाची की बांह फट के पिछले कमरे च लैके गया जी मैं गया ते फिर मैं दस तो पैसों वाली जी थैली सी चाची ने दी जी दी सी फिर ये आखिया सी ना जे मैं मर गया तो बच्चों से तकसीम कर दिया जे ना मरिया तो फिर मैनू वापस दे दिया जी कहिंदा जी मैं आखिया बोलो सुभान अल्लाह उच्चा बोलो सुभान अल्लाह जड़े वेले मेरे नबी ने गल की नौजवान तवज्जो करे मैनू पता सी या मेरी बीवी नू पता सी मेरे नबी ने जड़े वेले इन गल की हुजूर फरमाते ने चाची नू पिछले कमरे दे विच लैके गए लो तुसा जाके आखिया सी ए पैसों वाली थैली है जे मैं मर गया बच्चिया जे तकसीम कर दिया जे ना मरिया मैनू वापस कर दिया जे कहन लगा मैनू पता सी या मेरी बीवी नू पता सी नौजवानों इन के चाचे ने मेरे नबी दे कदम फड़ने फड़ के कहने लगे कमली वाले मैनू कलमा पढ़ा दे मैनू कलमा पढ़ा दे मेरे नबी फरमा देने चाचा जी की होया वे आखे आ भतीजे हुण ते दिल विचों कोई आवाज आउंदी है जे तू मदीने बह के मक्के दियां दस सकना वे फिर फरशां ते बह के अरशां दियां भी दस मैनू कलमा पढ़ा कहंदे ने जी ए ते गल मेरे मन दे विच ही हुज़ूर फरमांदे तेरे मन च ही मुहम्मद दे कन दे विच सी हां नौजवानों ए मेरे नबी दा इल्मे गैब साडा ईमान है यकीन है हुजूर जानदे ने अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह दुआ है कि अल्लाह करीम हुजूर दे नाल पक्की सच्ची मोहब्बत करने दी तौफीक अता फरमाए बाकी दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।